हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंकिता दुबे कंसल्टेंट ऑप्सट्रेटिशियन एंड गाइनेकोलॉजिस्ट लेप्रोस्कोपिक सर्जन एंड इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट एट नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अहमदाबाद आज वुमेंस डे पे मैं कुछ जनरल वुमेन एंड हेल्थ एंड हाइजीन पे आप लोगों से बात करना चाहती हूँ जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले वुमेन की हेल्थ पे जो बेसिकली uh, चार स्टेजेस में हम डिवाइड करते हैं लाइफ स्पैन को एडोलेसेंस देन मिड लाइफ मेनोपॉज एंड पोस्ट मेनोपॉज तो इसमें हम थोड़े हर लाइफ स्टेज के प्रॉब्लम्स एंड उसका सोल्यूशन बेसिकली मैं इसमें जनरल लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बताऊँगी आपको पहला आता है एडोलेसेंस जिसमें मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है इररेगुलर पीरियड्स इररेगुलर इन द सेंस कि उसका जो नॉर्मल आपको पता होगा तो आप एबनॉर्मल पता कर पाओगे नॉर्मल होता है ट्वेंटी वन टू थर्टी फाइव डेज का नॉर्मल साइकिल होता है अगर उससे पहले आ रहा है या थर्टी फाइव डेज़ के बाद आ रहा है तो दैट इज़ एबनॉर्मल या ब्लीडिंग के डेज ज्यादा हैं थ्री टू फाइव डेज़ नॉर्मल मैंस्ट्रल फ्लो होना चाहिए अगर थ्री डेज से कम हो रहा है या फाइव डेज से ज़्यादा हो रहा है तो दैट इज़ एबनॉर्मल देन हम इसमें बात करेंगे बहुत कॉमन आजकल प्रॉब्लम है पी सी ओ की पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो ऐसे ही मैनिफेस्ट होगा इररेगुलर पीरियड्स वेट गेन इन सब से तो इन सब का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के लिए मैं बताऊँगी सबसे पहले लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है जिसमें हमें रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ एटलीस्ट थर्टी मिनट्स इट कैन बी एनी थिंग योगा मेडिटेशन रनिंग वॉकिंग जॉगिंग वट एवर जो आपको सूट करे आप कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम दैट अ हेल्दी डाइट विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बैलेंस डाइट लेनी है आपको रिच ऑफ फाइबर डाइट इम्पॉर्टेंट होती है इसमें देन इनफ ऑफ फ्रूट्स एंड मिल्क कंजम्पशन डेली ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अडोलसेंस से ही जो होगा वही आगे का uh, पूरा फीमेल का लाइफ डिपेंड करेगा उसके ऊपर देन सेकेंड स्टेज है मिड लाइफ मिड लाइफ के बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिसमें से मोस्ट कॉमन आजकल है इन्फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी के लिए भी मोस्ट कॉमन रीज़न आजकल पी है जितना हम देख रहे हैं तो उसके लिए जो मैंने आपको बोला लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है देन मिड लाइफ के और प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें भी बहुत कॉमन है इरेगुलर ब्लीडिंग एंड हैवी एक्सेसिव ब्लीडिंग बहुत कॉमन है इनके कॉजिज जो होते हैं वो होते हैं एडिनोमाओसिस हो सकता है फाइब्रॉयड्स हो सकते हैं सो so, अगर कुछ भी इरेगुलर हैवी आ रहा है तो यू शुड गेट अ कंसल्टेशन डन एंड ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं इनका भी ट्रीटमेंट बहुत आसानी से है इसमें भी सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि बेसिक जो मैंने आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बताया वो तो करना ही करना है उसके साथ गेट अ कंसल्टेशन डन देन तीसरा आता है हमारा मेनोपॉज मेनोपॉज के मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं Uh, बहुत इजी लिथार्जी हो जाती है थकान जल्दी लगने लगती है मूड स्विंग्स बहुत कॉमन होते हैं स्वेटिंग होते हैं देन uh, ये सब बहुत कॉमन है रेड फेस स्वेटिंग ड्यूरिंग कुकिंग एंड ये सब आप खाना बना रहे हो और एकदम स्वेटिंग बहुत ज़्यादा तो ये सब बहुत कॉमन है कैल्शियम डिफिशेंसी ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन है क्योंकि मेनोपॉज में जो हार्मोन्स हमारे फ़ीमेल के सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं उनका बहुत डिपेंडेंसी होता है जो खत्म हो जाते हैं तो इसके लिए भी जो बेसिक मैंने पहले स्टेप में बोला हर स्टेप में मैं बोलूँगी कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जिसमें योगा मेडिटेशन ये सब तो आपको करना ही है बैलेंस डाइट इस स्टेज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे इंपॉर्टेंट है मिल्क कंजम्पन कैल्शियम रिच चीज़ें जो भी होती हैं बनाना है मिल्क uh, है ये सब आप कं uh, इसका बहुत ज़रूरी है देन आता है पोस्ट मेनोपोजल पोस्ट मेनोपोजल में भी मैं यही बोलूँगी कि हमको uh, वे, जो हर स्टेज में है कि पोस्ट मेनोपोजल में भी वही है इंक्लूडिंग दिस कि आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है गो विद द फ्लो सब के साथ ही पोस्ट मेनोपोजल सिम्टम्स आने वाले हैं तो उनको मेंटेन करने के लिए ये प्लस अगर आपको बहुत एक्सेसिव प्रॉब्लम हो रही है कि uh, ज़्यादा ही हो रहा है कि स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है बहुत गर्मी लग रही है मूड स्विंग्स बहुत आ रहे हैं तो यू कैन गेट अ कंसल्टेशन डैन उसके लिए भी हमारे पास है हॉर्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है उससे भी ट्रीटमेंट हो सकता है बस आज के वीडियो में मैं इतना कहना चाहूँगी नमस्कार